ओ दृष्टि रानी, ये देखियो मैंने दृष्टि रानी को सीधे लेटाया था। ये तो पूरी गोल गोल घूम गई। हाँ ये तो पूरी गोल गोल घूम गई। कब उठे तुम? अरे तुम तो घूमने लग गए, गोल गोल घूमते हो बिस्तर में, गोल गोल घूमी घूमी करते हो। हाँ मैं तो देख रही हूँ दृष्टि कहाँ चली गई। दृष्टि तो ऐसे घूम गई है, देखो 360 डिग्री घूमती है दृष्टि, 360 डिग्री घूमती है। क्या सोच रहे हो? चलो दृष्टि को सीधा कर देते हैं। दृष्टि को हमने फिर से सीधा सिला दिया, खोल दिया। गर्मी हो रही है बहुत। अरे मामा रे, देखो फिर से पलटने जा रही है। हाँ दृष्टि फिर से पलटने जा रही है, पलटी पलटी करती है, इसलिए ऐसे तकिया लगाना पड़ता है ताकि पलट के नीचे ना गिर जाए, है ना? पलटी पलटी होती। अब घूमना मत, ठीक है? हाँ ऐसे खेलो, खेली खेली करो। सो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे ये है क्या। एक्चुअली ये है गुलगुले का बैटर। यस, बहुत सारे लोग जानते होंगे गुलगुले क्या होते हैं। गुलगुले बनते हैं गेहूं के आटे का, बट इसमें मैंने गेहूं के आटे के साथ साथ नाचनी का आटा, जो रागी कहते हैं, जैसे रागी के आटे को भी मिक्स किया है। और ये बहुत ही इजी है, कुछ नहीं किया है मैंने। ये बैटर बनाने के लिए मैंने नाचनी का गेहूं का आटा लिया है और उसमें मैंने गुड़ का पानी ऐड किया है। गुड़ का पानी बनाने के लिए मैंने बॉइलिंग वाटर में गुड़ लिया और उसमें 3-4 इलायची के दाने डाल दिए और उसको थोड़ा सा बस एक बॉईल आने तक, गुड़ मेल्ट होने के लिए, मतलब गुड़ जितना मेल्ट होने के लिए टाइम लगता है, बस एक बॉईल आने तक रखा। फिर उसे थोड़ा ठंडा किया। उसके बाद मैंने इस बैटर में उसे ऐड करके आपको ये वाली कंसिस्टेंसी करनी है, ना ज़्यादा पतला। ये कंसिस्टेंसी में ही आपके गुलगुले परफेक्ट बनेंगे। तो ये मैंने रेडी कर लिया है बैटर, और यहाँ पे मैंने तेल भी मेरा ऑलमोस्ट अच्छी तरह से गर्म हो चुका है और यहाँ मैंने आटा गूंद लिया है। यहाँ मेरी भुर्जी भी रेडी हो चुकी है, तो ये डिनर भी मेरा ऑलमोस्ट आधा डिनर रेडी हो चुका है। भुर्जी मैंने बना लिया है, रोटी गर्मा गर्म जब रुद्राक्ष के पापा आएंगे तब बनेगा। ये हो गया रेडी। ऑलमोस्ट मेरा आधा डिनर रेडी हो चुका है, बस मुझे रोटी बनाना है। वो जब रुद्राक्ष के पापा आएंगे तब मैं फटाफट से गर्म रोटी बना लूँगी जब हम डिनर करेंगे तब। अभी फिलहाल मैंने सोचा रुद्राक्ष के लिए कुछ स्नैक्स बनाया जाए, तो मुझे एकदम से क्लिक हुआ क्यों ना गुलगुले बनाए जाए, क्योंकि बचपन में हमने तो बहुत खाए हैं। अगर आप लोगों ने भी खाए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। बस इसे मैंने थोड़ा सा हेल्दी वर्जन में, जो मम्मी बनाती थी ना वो आटे और चीनी से बनाती थी, मैंने इसमें रागी का आटा, गेहूं का आटा और गुड़ का इस्तेमाल किया है, तो उसे थोड़ा हेल्दी बनाने की मैंने कोशिश की है। बाकी बाकी वो बनेगा तो वो डीप फ्राई में ही। सब चलिए बनाना शुरू करते हैं। बातें करते करते मेरा तेल ज़्यादा ही गर्म हो गया था, तो मैंने गैस को भी ऑफ कर दिया है। थोड़ा उसे कूल डाउन करने देते हैं। और यहाँ पे मैं एक्चुअली मैं एक हाथ से कैमरा पकड़ के रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगी, तो मुझे थोड़ा पॉज लेना पड़ेगा। मैं गुलगुले पहले डाल लेती हूँ फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने कुछ फ्राई किए हैं, ये मैंने स्पून की मदद से फ्राई किए थे बट इनके शेप कुछ ठीक नहीं आए, तो फिर ये देखिए मुझे हाथों से बनाना पड़ा। और हाथों से ही गुलगुले अच्छे बनते हैं, गोल बनते हैं। ये दो दो स्पून भी मेरे किसी काम नहीं आए, तो अगर आप ट्राई करोगे तो प्लीज़ हाथों से ही ट्राई करना, वरना आपके भी गुलगुले ऐसे बन जाएंगे बिना शेप के। ये मैंने डाल दिया है यहाँ पे, अब ये फ्राई हो रहे हैं। मैंने इन गुलगुलों को टर्न कर लिया है। सॉरी गाइस, मैं आपको कंटिन्यू करके नहीं दिखा पा रही हूँ, क्योंकि एक हाथ से कैमरा होल्ड करना और एक हाथ से रिकॉर्डिंग करना वो पॉसिबल नहीं हो पाता। बात तो सही है। क्योंकि एक ही हाथ से खाना भी बनाना और रिकॉर्डिंग भी करना वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, और फिलहाल तो कोई हेल्प के लिए मेरे है नहीं। प्लीज़ आप नाराज मत होना कि मैं ऐसे तोड़ तोड़ के आपको रेसिपी दिखा रही हूँ। ऐसे ये रेसिपी तो बहुत ही ईजी है। इसे जब मैं फ्राई कर रही हूँ ना गाइस, सीरियसली गुड़ की इतनी प्यारी स्मेल आ रही है ना कि मुझसे तो रहा नहीं जा रहा कि मैं कभी से टेस्ट करूँ। और मैं आप लोगों को दिखाऊँ, मैंने हाफ टेस्ट कर भी लिया है। ये देखिए मैंने आधा खाया और बहुत ही यम बना है। बच्चों को तो डेफिनेटली ये चीज़ें पसंद आती है, बट बड़ों को भी ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे।
सो ये मेरा रेडी हो गया है गुलगुले। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, इतना प्यारा गोल्डन कलर आया है। वैसे भी ये ब्राउन ही बनता है, बट रागी के आटे की वजह से और गुड़ की वजह से ये और ज़्यादा ब्राउन हो गया है। और बहुत ही प्यारी स्मेल आ रही है इसकी, बहुत ही प्यारी। जो गुड़ और इलायची मैंने डाला था ना, उसकी स्मेल तो बहुत ही प्यारी आ रही है। ये देखिए, सो ये रहा सेकंड बैग। सो ये देखिए गुलगुले तैयार है। इसे ठंडा होने देना, ठंडा ये ज़्यादा टेस्टी लगता है, गरम गरम मुंह भी जल सकता है आप लोगों का। The next day. ॐ साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, इष्टु देवी ओले जय जय। इति लेट के पर छोटी सी बाबू है। हाँ छोटी सी बाबू है ना, लान लान, तू पन छोटी सी है। हाँ तुझे नाव का है सांग, का है नाव? आई बोलोते सा, तुला आई बोलोते। नाव सांग तुझे का है, का है? हाय बोल, हाय कर, हाय। सो दृष्टि को तीसरा डोज भी आज लग गया है। अब डायरेक्ट इसे 9 मंथ जब कंप्लीट हो जाएगा तब इंजेक्शन लगेगा। सो बहुत रोई थी दृष्टि, मैंने वो शूट नहीं किया क्योंकि मैं इसे संभाल रही थी। तो अब हम चलते हैं घर पे। तो मेरी जान है जहां। मामे मामे ओरे रुदश, क्या कर रहे हो? वीडियो बना रहे हो? अरे कैमरा में बोल रहे हो। अच्छा, मैं दृष्टि को सेक रही हूँ बर्फ से, उसको आज वैक्सीन लगी ना। दृष्टि रानी, दृष्टि रानी, मेरी जाने जहाने, तंग 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 तंग, मेरी जाने जहाने। हाय करो। हाय। हेलो एवरीवन, ये रुद्राक्ष और दृष्टि सोए है। आज दृष्टि को वैक्सीन लगाना, इसलिए दादाश को प्यारी प्यारी कर रहे है ना। देखो दृष्टि भी हैप्पी है, उसका दर्द गायब हो गया। ओल मेरे बच्चे, मेरे दोनों बच्चे। अच्छा रुद्राक्ष को बुला रही है। मैं दृष्टि रानी को देखो, यहाँ पे इंजेक्शन लगाया ना, और शेक रहे हाँ, और यहाँ पे रुद्राक्ष दादा दृष्टि को प्यारी कर रहा है ना। मत्रो बोल रहा है, ये स्ट्रॉन्ग भी है। देखा दादा तुमको प्यारी कर रहा है ताकि दृष्टि जल्दी ठीक हो जाए। हाँ देखो दादा को भी चोट लगी थी, दादा गिर गया था ना। देख दादा का धीरे धीरे ठीक। हाँ तेरा भी ठीक हो जाएगा। ये धीरे धीरे करके करके तुम प्यारी कर दो, ठीक हो जाएगा। एक बार चोट लगा। ओरे बाबा, उधर प्यारी कर रहा है। ओरे फूक रहा है ले, कितना प्यारे भाई है। देखा दृष्टि का भाई कितना प्यारा है, दृष्टि को प्यार करता है। ओके मम्मी। हाँ जब आप रोएंगे ना तो बन में दो बर्फ डालूंगा, फिर और नहीं लाऊंगा। ओके ठीक है, लाओ एक और बर्फ। ये है ना, अभी इसको फिनिश होने दो। हाँ? उसके बाद। हाँ ठीक है चल। मैं मजाक कर रहा था। हाँ मजाक करते हो। हाँ हाथ में भी लगाया था इंजेक्शन। कौन से हाथ में दिखा? ये वाले हाथ में। देखता हूँ एक बार, दादा को देखने दो। हाँ ये वाले हाथ में लगाया। इधर लगाया ना? इधर नहीं लगाया, यहाँ पे लगाया, ये वाले हाथ में लगाया। छोड़ एक बार। अच्छा ये वाला हाथ में लगाया। हाँ
तो दादा दादा बोल के रो रही थी, पता है कितना। इसलिए मैं बोला था मुझे भी ले जाओ। लेकिन मैं दो दो बच्चों को कैसे लेके जाती, और बाहर धूप भी कितनी थी। मैंने को दीदी को भेज दिया था मुझे हाथ बगल लेना, लेकिन वो आई नहीं। उन्होंने बोला चलो कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट टाइम इंजेक्शन लगेगा ना, मैं पक्का रुद्राक्ष को भी लेके जाऊंगी। ओके, रुद्राक्ष फिर हमको मायके लेके जाएगा। देखो कितनी हैप्पी होती है दादा को देख के। ठीक है दादा, अभी खेलो। इंजेक्शन लगाया, कितनी बड़ी इंजेक्शन थी, वो दादा दादा करके रोने लगी। बड़ी इंजेक्शन, हाँ ना, हमारे घर से भी बहुत बड़ी थी। कितने प्यार से देखती है अपने दादा को दृष्टि, कितने प्यार से देखती है। नहीं अभी गर्म हो रहा है ना, चलो अब मैं दृष्टि को फटाफट से सेक लेती हूँ, फिर दृष्टि को आराम करने देते हैं, वो सो जाएगी। मम्मी ओके, मम्मी तू सेक दे, दवाई ये खत्म होने का तो मैं और बना। हाँ अभी चलो, बोलो मिलते हैं थोड़ी देर में। चलो मिलते थोड़ी देर में, ऐसे कर करने का, मिलते बोलो, मिलते थोड़ी देर में, मिलते थोड़ी देर में। Three hours later. ये मेरी दृष्टि किन्ना पैर मारती है दृष्टि, हाँ ये देखो किन्ना पैर मारती है, ये देखो ये देखो ये देखो। कोई बोलेगा दृष्टि को इंजेक्शन लगाया है पैरों में, कोई बोलेगा दृष्टि को पैरों में इंजेक्शन लगाया है। देखो देखो कैसे पैर मारती है, कैसे पैर मारती है मेरी दृष्टि बेबलो। ओके ये रुद्राक्ष का भी कंप्लीट हो गया, दिखाओ मुझे, दिखाओ। यस ये 20 तक हो गया, और वापस से 1 2 3 4 5, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। छोड़ो पेज टर्न करो, अब लिखो 6 7 8 9 10, शुरू करो फटाफट। यस 6 7 8 9 10 शुरू करो। सो दृष्टि यहाँ कूलर में मस्त छोई है, कूलर की हवा खा रही है, खेली खेली कर रही है ना। दृष्टि को धागा टाइट हो रहा था तो मैंने धागा निकाल दिया है, अब वापस से पहनाना बाकी है, इसीलिए उसके पैर सूने सूने लग रहे हैं। सो हम न्यू खरीद के पहनेंगे, है ना दृष्टि बेबलू, है ना मेरे बेबलू। आज दृष्टि का तीसरा वैक्सीन भी हो गया। मेरी आवाज शायद स्लो आ रही होगी क्योंकि कूलर चल रहा है। मम्मी यस बेबी, लाइन में डॉट हो गया। तुम डॉट थोड़ी करना है तुमको, अच्छा मैंने डॉट नहीं करके दिया, ओके मैं डॉट कर देती। तो ये देखो मैंने डॉट बना दिया रुद्राक्ष, अभी तुम फटाफट से लिखो, लिखो ना क्या लिखा है मम्मा ने, 6 7 8 9 10 लिखो फटाफट। गुड बॉय, यस लिखो, वेरी गुड, ऐसे लिखो ठीक है। हाँ और दृष्टि तो बस खेले जा रही है, खेले जा रही है, खेले जा रही है ना। खेलो बबलू खेलो।